न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रामपुर में पूर्व सांसद जया प्रधा ने आजम खान पर सवाल उठाकर कहा है कि आजम खान बदजुबान है और यहां यही वजह है कि उनको उनकी करनी की सजा मिल रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिसके कारण वो उपचुनाव हो रहा है और भाजपा फिर रामपुर में कमल खिलाएगी और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना भारी मतों से विजय होंगे। उन्होंने कहा कि रामपुर में अखिलेश के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम समाज तेजी से भाजपा में शामिल हो रहा है और सबका साथ सबका विकास होगा। आजम खान से उनके निसार आज अपनी जान बचाते भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आजम खान ने मुझे बहुत आरोप लगाए हैं, मैं भूली नहीं हूँ, याद है, समय है और अपनी बात जनता के बीच जाएंगे और आजम के घड़ियाली आंसू की कहानी बताएंगे। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर जया प्रधा का बयान जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है आजम खान का बेजुबान है और इसलिए उपचुनाव है, आकाश सक्सेना कमल खिलाएंगे, जया प्रधा कह रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है कि बीजेपी में कई दिग्गज जो है वो शामिल हो रहे हैं, आजम खान का बेजुबान है इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। साफ तौर पर जया प्रधा ने बयान दिया है। की बात हो गई तो हमने ये स्कूल बना दिया, हमने ये कर दिया, हम तो हम बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए हो आप? जब जब आपको जरूरत पड़ा तो आपने चुनाव के लिए आप आगे आ गए, आपको ही जिता रहे हैं, लेकिन रामपुर में ऐसे कौन से काम किया है जो लोगों के लिए रोजगार हो? लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया है। आप अपने कथा पे, आपने अपने भावुकों के आप हर मंच पर आप रो रहे हैं। कानून को आंसू नहीं चाहिए, कानून को आप, कानून के विरुद्ध आप काम करते हैं और महिलाओं को खासतौर अगर आप सम्मान नहीं करते हैं और खासतौर जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आप ऐसे गलत टिप्पणी करते हैं, क्या आपको छोड़ेंगे? कोई कोई नहीं छोड़ सकता है। मैं पिछली बार बहुत दुखी थी, जब जब मैं रामपुर आती थी मुझे रामपुर आने नहीं देते थे। मैं निर्वाचित सांसद रही तभी मुझे मुरादाबाद जाना पड़ता था और क्या महिला पाजेब से तुलना पड़ता है? क्या हम पाजेब हैं? महिलाएं हैं। इटावा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव अपने आप को इटावा का मिनी मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन आज उनकी सुरक्षा हटने के साथ ही बिलबिलाने लगे हैं। गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है कि चाचा भतीजे जेल एक साथ चले जाएं और चाचा भतीजे की एक साथ जिंदगी जो है वो जेल में बीते। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है उनको लेकर बड़ा बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। बता दें आपको कि सुरक्षा हटने के बाद बिलबिलाने की बात कह दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। इटावा से खबर है जहां पर इटावा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव अपने आप को इटावा का मिनी मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन आज उनकी सुरक्षा हटने के साथ ही वो बिलबिलाने लग गए हैं। गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है कि चाचा भतीजे जेल एक साथ चले जाए और चाचा भतीजे की एक साथ जिंदगी जो है वो जेल में बीते। खबर गोंडा से है जहां पर थाईलैंड में आयोजित क्लासिक मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2022-2023 प्रतियोगिता में गोंडा जनपद की चर्चित चिकित्सा डॉक्टर अनिता मिश्रा ने खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अनिता मिश्रा ने जहां मिसेज एशिया इंटरनेशनल का ताज अपने नाम किया है, वहीं मिसेज पॉपुलैरिटी का खिताब भी जीता है और टैलेंट क्वीन प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित हुई हैं। दरअसल पिछले साल राजस्थान के उदयपुर में आयोजित क्लासिक मिसेज इंडिया का खिताब चिकित्सा अनिता मिश्रा ने अपने नाम किया था और गोंडा जनपद के अलावा प्रदेश का नाम रोशन किया था और इसी क्रम में ही ERM थाईलैंड द्वारा एक निजी रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सिका अनिता मिश्रा ने प्रतिभाग किया और दुनिया भर से आई 24 प्रतिभागियों को टक्कर देकर क्लासिकल
मिसेज एशिया इंटरनेशनल का ताज अपने नाम कर लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो वोट अनिता मिश्रा ने बटोरे हैं उसके बदौलत उनको मिसेज पॉपुलैरिटी का खिताब मिला। आपको बताते चले कि टैलेंट प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहीं और थाईलैंड में 26 नवंबर को ये प्रतियोगिता जो थी वो आयोजित की गई थी और अनिता मिश्रा ने वहाँ शामिल होकर अन्य प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर दी। अनिता मिश्रा के साथ उनके पति डॉक्टर पूर्ण योद्धे मिश्रा भी कदम से कदम मिलाकर चले और आज जब वो जिले में पहुंची तो उनका जगह जगह स्वागत हुआ और डॉक्टर अनिता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोंडा जिले के लोगों को धन्यवाद दिया है और इसका श्रेय जिले के लाखों लोगों को दिया है। डॉक्टर अनिता मिश्रा ने बताया कि वो महाकाल की भक्त हैं और उनकी भगवान शिव से बहुत आस्था है, उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया। कंपटीशन कितना क्लोज रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 6 राउंड इस कंपटीशन में था, एक इंटरव्यू राउंड था, उसमें करंट अफेयर्स आपके पर्सनल सारे चीज़ों को पूछा गया था, फिर एक प्री जज राउंड था, फिर एक स्पोर्ट्स राउंड था आपका फिटनेस कितना है वो देखने के लिए, और एक इवनिंग गाउन राउंड था, फिर कॉस्ट्यूम राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम जिसमें मैं पार्वती देवी बन के गई थी, और एक टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने डांस किया था। 6 राउंड थे। तो आपको कौन कौन सा अवार्ड आपको मिला है इसमें? तीन अवार्ड्स मिले हैं, एक तो मेन जो अवार्ड है मिसेस एशिया इंटरनेशनल वो मिला है, उसके साथ साथ टैलेंट क्वीन का फर्स्ट रनर अप मिला है और मिसेस पॉपुलैरिटी मिला। इसके लिए किसको देंगे श्रेय? ये श्रेय मिसेस पॉपुलैरिटी 100% श्रेय गोंडा वासियों को देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वोट दिया था, वो सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टा के वोट के आधारित था और सारे गोंडा वासी ने बढ़ चढ़ के लाइक कमेंट शेयर इसको किया था जिस वजह से मुझे मिसेस पॉपुलैरिटी मिला। टैलेंट हंट के लिए मैंने मतलब बहुत परिश्रम। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, डॉक्टर अनिता मिश्रा ने खिताब जीतकर नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल दर्शकों, बताते हैं कि गोंडा जिले में जो गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अनिता मिश्रा, जो एक डॉक्टर कहलाते हैं, और उन्होंने मिसेस एशिया क्लासिक का अवार्ड जीता है और पूरे देश से लगभग 10 देशों से 24 प्रतिभागियों ने उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था और देश के कोने कोने से लोग उसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें उन्होंने कई राउंड में उनके कॉम्पिटिशन हुए, किसी में टैलेंट में और किसी कहीं डांस में तो कहीं जीके में, हर तरीके से उन्होंने क्वालिफाई करते हुए आखिरकार फाइनल में उन्होंने जीत दर्ज की और गोंडा का नाम देश और देश ही नहीं एशिया में रोशन किया है। और वो छोटे जिले से गोंडा से निकलकर वो एशिया का खिताब लेके आई है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है गोंडा वासियों के लिए। और उनका इस खिताब जीतने के बाद जब वो प्रथम आगमन गोंडा हुआ तो उनको लखनऊ से लेकर गोंडा तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया है, एयरपोर्ट से लेकर शहर में जगह जगह सम्मान दिया जा रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने कल मीडिया से वार्ता कर उन्होंने इस अपनी सफलता की दास्ता बयां की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनको गोंडा की जनता बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया, जिसके कारण उनको मिसेस पॉपुलैरिटी का भी खिताब मिला है, मिसेज एशिया का खिताब मिला, वही उन्होंने जो परफॉर्मेंस में डांस किया था छम्मा छम्मा और पार्वती का रोल जिस था जिसको लोगों ने काफी सराहा और जिसके बाद इनको मिसेस एशिया का अवार्ड चुना गया। तो कहीं ना कहीं गोंडा वालों के लिए, जनपद वासियों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक छोटे जिले से एक डॉक्टर जाके एशिया अवार्ड लेके आती है, तो आगे उससे महिलाओं को एक प्रेरणा मिलेगी और वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र के कटरा बिल्होर हाईवे मार्ग पर सहिंजना गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी है और जिससे 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज किया जा रहा है जबकि शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। आपको बताते चले कि हरपालपुर थाना क्षेत्र के पिथनापुर गांव निवासी जसवंत मितान और प्रताप नगरिया गांव निवासी मछले रामेश्वर बुधवार की रात लोनार थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव से दावत खाकर अपने घर वापस जा रहे थे और ई रिक्शा जब
शहीदजना गांव के पास पहुंचा तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी जिससे सभी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को आनन फानन में एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर पहुंचाया जहां पर डॉक्टर ने जसवंत को मृत घोषित कर दिया है और वहीं प्रताप और मछली को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है जहाँ पर प्रताप की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं मछली का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लोग जा रहे थे और कितने लोगों की डेथ वगैरह हुई है, कितने लोग इंजर्ड हैं, क्या ये सवायतपुर हरपालपुर मार्ग पे सौरंगपुर के पास ई रिक्शा से चार व्यक्ति जा रहे थे जो अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से चारों घायल हो गए जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतकों के नाम राम प्रताप और जसवंत है जिसमें राम प्रताप ही रिक्शा चालक है। इनमें इनका पोस्टमार्टम हो रहा है और ऐसे ही कोई प्रार्थना पत्र तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड में पानी निकासी न होने से नाराज लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर बैनर लगाकर समस्याओं के बारे में बताया है। जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 33 में पानी निकासी न होने से नाराज लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने को बैनर लगाकर समस्याओं के बारे में बताया है। वार्ड 33 के निवासियों ने बताया है कि पिछले 3 सालों से पानी की निकासी की समस्या झेल रहे हैं जिसके चलते गंदे पानी की समस्या से कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जिस कारण वहां के स्थानीय निवासी अपने मकान बेचने को मजबूर हो गए हैं। तो रामपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा है, लोग अपनी समस्या को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही लोगों ने पानी निकासी न होने से परेशान होकर अब चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 3 सालों से यह समस्या है जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं और कई बच्चे बूढ़े बुजुर्ग और जवान इसमें जो है उनकी तबीयत खराब हो रही है लेकिन पानी की निकासी नहीं हो रही है। बीमारी होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन पानी निकासी ना होने से उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती रहती हैं और इसी को लेकर उन्होंने नाराज होकर चुनाव बहिष्कार करने का अब फैसला लिया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के वार्ड नंबर 33 का यह मामला बताया जा रहा है जहाँ पर पानी निकासी ना होने से लोग जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के फरेंदा रोड पर एक गेस्ट हाउस के सामने पति पत्नी और प्रेमी के बीच एक हाई वोल्टेज हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल फरेंदा थाना क्षेत्र के कमहरिया खुर्द का रहने वाला पति फिरोज पनियारा क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान के साथ अपने बीबी को देख आपा खो बैठा। बीबी और प्रधान को अपने सहयोगियों के साथ दबोच उसकी पिटाई कर दी और इस पूरी वारदात का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने प्रधान को पकड़कर थाने ले गई। शोहर ने बीबी और उसके आशिक प्रधान के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। होटल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस पति पत्नी और प्रधान को चौकी पर ले आई और वहीं पति का कहना है कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ मुकदमा कर मेरे ही घर में रहती है, ये घटना पहली बार नहीं हुआ है, यह हमेशा आए दिन इसके साथ गायब हो जाती है और 5 से 7 घंटे बाद वापस घर आती है। पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसको शक था कि इसका चक्कर प्रधान के साथ चल रहा है। उसके दोस्त ने बताया कि आपकी पत्नी ऑटो से निकली है और जिसके बाद उसका पीछा करते हुए पता चला कि ये होटल में गई है और पति ने बताया है कि वो 2.5 घंटे तक इसका इंतजार किया जिसके बाद होटल से अपनी पत्नी और प्रधान को बाहर निकलने के बाद उन दोनों को दबोच लिया और पति ने बताया है कि उसे इंसाफ चाहिए, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। और वहीं पत्नी ने इस पूरे मामले में बताया है कि पति मुझे घर से अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि ये हमेशा मुंबई दिल्ली रहते हैं और आज कहीं चलो मुकदमा समाप्त कर लेते हैं। तभी वो होटल के पास प्रधान जी दिखे और तब उन्होंने कहा कि आओ प्रधान से पूछे कि मुकदमा समाप्त कैसे होगा। जैसे ही मैं प्रधान के पास गई ये पकड़कर हम दोनों को
हल्ला मचाने लगे और मारने पीटने भी लगे। गांव के प्रधान ने बताया कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है बदनाम करने के लिए और दोनों मुकदमा चलता है। उसका पति ही उसको बुलाकर लाया था। ये लोग मेरे ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं, हमको बुलाकर लाए हैं और मेरे साथ हाथापाई करने लगे। आरोप पति लगा रहा है और सब गलत है, वो हमारी प्रेमिका नहीं है। पति के सारे आरोप निराधार हैं। सच्चाई यह है कि शोहर से उसका 3 मुकदमा चल रहा है। प्रधान ने बताया कि 1-2 बार पंचायत में पहुंचे थे, इसलिए शोहर उससे नाराज है और फंसाने की कोशिश कर रहा है। सहारनपुर में लगातार चलाए जा रहे गैंगस्टर के खिलाफ एसएसपी ने अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को एसएसपी के द्वारा निर्देशों के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के विरुद्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गहो पुलिस टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त जुल्फान उर्फ ज्योति की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,90,99,229 बताई जा रही है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र की नवीन गल्ला मंडी में ऑटो कार में ही आए चोरों को धान के बोरे चुराते हुए पल्लेदारों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ दिया है और उसको खंभे में बांधकर तालिबानी सजा दी गई है, जमकर पीटा गया है और इसी बीच अल्टो कार छोड़कर उन्हें चोर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अल्टो कार को कब्जे में लेकर चोर को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। आपको बता दें कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में कई महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं होती आ रही हैं और ऑल्टो कार पर सवार चोरों ने मंडी में धान से भरे 5 बोरों को उठाकर कार में डाल दिया और जैसे ही कार लेकर चले उसी दौरान मंडी में काम कर रहे पल्लेदारों की नज़र इन चोरों पर पड़ी और पल्लेदारों ने इन चोर को दौड़ाकर पकड़ दिया, लेकिन अन्य चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने चोर को खंभे से बांधकर जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि ये चोर शाहजहाँपुर के निवासी हैं और आए दिन गल्ला मंडी में आकर चोरी की घटना को जाम देते थे। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार मिश्र पुलिस टीम के साथ पहुंचे और धान से लदी ऑल्टो कार को कब्जे में लेकर चोरों को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गए। ये शाहबाद गल्ला मंडी में एक चोर जनता ने पकड़ के दिया था, जो कि धान चुरा रहा था। ये ऑल्टो कार में बोरियां भर रहे थे, 4 लोग कुल थे, 3 भाग गए। एक जो है पब्लिक ने ही उनको मारपीट करके पकड़ा और पकड़ के पुलिस को सौंपा है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। इटावा में हाई टेंशन लाइन से चिपक कर संविदा बिजली कर्मी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि बेड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धमना में 11,000 लाइन की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्राम मडिया अजबपुर निवासी अजीत सिंह उम्र करीब 30 साल की करंट लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही से करीब 3 घंटे खंभे पर ही अजीत का शव लटका रहा और बताते चले कि बड़पुरा थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी और अन्य थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खंभे से उतरवाया है। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है इटावा से, जहां पर बताया जा रहा है कि शव कई घंटों तक खंभे से लटका मिला और बिजली के खंभे से शव जो था वो लटका रहा, जिसके बाद लोगों द्वारा खंभे से शव को हटाया गया है। बताया जा रहा है करंट लगने से मौत हुई है। बाकियों अराजनैतिक असली के जिलाध्यक्ष राज्यपाल सिंह यादव ने गन्ना मूल्य का रेट 450 प्रति क्विंटल नहीं किए जाने पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मिलता है, इसलिए उसे किसानों से कोई मतलब नहीं है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में संभव सदर के नई तहसील भवन में मौजूद SDM कार्यालय पर हाथों में गन्ना लेकर किसान पहुंचे और यहां उन्होंने गन्ने की
होली जलाने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गन्ने की होली नहीं जला सके। इस दौरान किसानों की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई है। कई घंटे तक पुलिस और किसानों के बीच गन्ने की होली जलाने को लेकर खींचतान हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने सरकार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक गन्ना मूल्य तय नहीं कर पा रही है, वहीं आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, क्रय केंद्रों पर खाद नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन किसानों का गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं करना साफ दर्शाता है कि सरकार किसानों के हितैषी नहीं है। आज हमने जो कार्यक्रम किया है भारतीय किसान असली की ओर से पूरे प्रदेश में है, गन्ना मिले चले एक महीना हो चुका है लगभग, गन्ने का भाव सरकार ने तय नहीं किया है और ना कोई रेट गन्ने की पर्ची पे डाला जा रहा मिलों की तरफ से, ब्लैंक पर्ची पे गन्ना पड़ रहा है किसानों। इस देश में जब से सरकार बीजेपी की आई है तब से शायद यही हो रहा है, हर साल यही होता है और गन्ना एक एक महीना मिले चलने के बाद गन्ने के रेट तय होते हैं और वही होते हैं जो पहले होते हैं पिछली साल वाले, एक बेवकूफ़ बनाने के अलावा किसानों को कोई नहीं है। इसमें आज हम जो मांग कर रहे हैं, आज हमारा आंदोलन का पहला स्टेप है, स्टेप बाय हम आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन हमारा गन्ने का भाव 450 हो सरकार घोषित करे। देश में चुनाव भी ज्यादा हो रहे हैं, उसको देखकर भी सरकार किसानों को घोषित नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट हमें हिंदू मुस्लिम पर मिलागा ना कि गन्ना का रेट बढ़ाने और ना बढ़ाने पर हमें, तो पूरी तरह से सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। फरुखाबाद में पुलिस टीम ने 30 लाख की अफीम सहित 3 अंतर्राज्यीय गैंग के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने उनका चालान कर दिया और शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला, एसओजी प्रभारी अशोक कुमार और सर्विलांस प्रभारी जगदीश भाटी के संयुक्त टीम ने पंजाब नेशनल बैंक ठंडी सड़क से आरोपी सद्दाक अंसारी पुत्र अब्बास अंसारी निवासी ग्राम तारवाड़ी लातेहार झारखंड, मंशूर आलम पुत्र मेहंदी अंसारी और मनफेरी लातेहार झारखंड, उदय वीर उर्फ बबलू पुत्र छवि राम कुशवाहा करदौली जलालाबाद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन में बताया है कि आरोपियों के पास से 3 किलो नाजायज अफीम की जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 30 लाख और 3 मल्टीमीडिया मोबाइल और 3,150 रुपये और एक बाइक बरामद किया है। सीओ सिटी प्रदीप कुमार भी वहाँ पर मौजूद रहे, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। 3 साल की मासूम से हैवानियत की ये घटना मल्लावा थाना क्षेत्र के एक गाँव से सामने आई है। पुलिस को दी गई तहरीर में इस गाँव के रहने वाले पिता ने बताया है कि उसकी 3 वर्षीय मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी वक्त बिलग्राम थाना क्षेत्र के गांव जरोली निवादा निवासी शानू उसकी बेटी को उठा ले गया। आरोप है कि गांव के बाहर शानू ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। इसी बीच गायब बच्ची की तलाश में निकले परिजनों ग्रामीणों के साथ गांव के बाहर पहुंचे तो झाड़ियों में शानू को बच्ची के साथ पकड़ दिया। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, बेहद ही हैवानियत वाली खबर सामने आई है, जहां पर 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का वारदात जो है वो की गई है। जी, आप ये पूरा मामला हरदोई के मल्लामा कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। यहाँ एक 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय एक युवक आया और उसको उठा ले गया और उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। जी, इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी अभी मोहम्मद आसिफ? पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और FIR भी दर्ज कर ली है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी जी, अब परिजनों को मतलब किस तरह से घटना की सूचना मिली, थोड़ा विस्तार से बताइए आसिफ जी। परिजनों को जानकारी हुई कि उसकी बच्ची को एक युवक ले गया, तो उन लोगों ने उसकी जांच पड़ताल की, ढूंढा तो झाड़ियों में बच्चा और आरोपी दोनों मिले। उसके बाद आरोपी वहां मौके से भाग निकला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसके बाद बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल की जा रही है। जी ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें हरदोई से खबर है जहां पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। बता दें आपको कि मेडिकल के लिए बच्ची को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि युवक द्वारा बच्ची खेल रही थी बाहर और बच्ची को बहला फुसला कर झाड़ियों में ले गया और जहाँ पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। हरदोई से खबर है, आपको बता दें कि 3 साल के मासूम बच्ची के साथ ये वारदात होने की कोशिश की गई है और जिसके बाद परिजनों को शक हुआ और परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ही जब बच्ची की तलाश की तो बच्ची झाड़ियों में मिली है और जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई पूरे घटना की और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोप है कि गांव के बाहर ही शानू नाम का जो व्यक्ति है वो बच्ची को बहला फुसला कर लेकर गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।